हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मान कुकिंग पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वादिष्ट मखाने की खीर की रेसिपी। मखाने की खीर खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, उसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होती है। मखाने की खीर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद होती है। ये खीर व्रत में भी बहुत खाई जाती है, तो इस नवरात्रि आप इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर आज के इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मखाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राई पैन ले और उसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल दे। व्रत में घी खाया जाता है। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। घी को हमें गर्म कर लेना है। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसमें हम यहाँ पर 10 से 12 रफली कट किए हुए काजू डालेंगे। आप काजू की जगह बादाम या किशमिश भी ले सकते हैं। काजू को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। काजू को हमें धीमी आंच पर फ्राई करना है। आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई ना करें। देखिए, आप इन्हें ऐसे लगातार चलाते रहें। अगर आप बादाम या किशमिश ले रहे हैं तो उन्हें भी आप पहले ऐसे ही फ्राई कर लें। देखिए, काजू है वो अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इन्हें निकाल लेते हैं। काजू का कलर भी चेंज हो गया है। अब हमें सेम पैन में मखाने डालने हैं। मैंने यहाँ पर 2 कप मखाने लिए हैं। मखानों को भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लेना है। मखानों को भूनते टाइम आप इन्हें बीच बीच में चलाते रहें और जैसे ही मखानों का भी कलर चेंज हो जाए बस आप यहाँ पर फ्लेम को बंद करें और इन्हें ठंडा होने दें। मखानों को ठंडा होने के बाद हमें इन्हें मिक्सर में ग्राइंड करना है। हमें इनका ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, बस इन्हें हल्का सा दरदरा पीस लेना है। आप चाहे तो इन्हें किसी कटोरी या ग्लास की मदद से भी हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं। देखिए, मखाने जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हमें वापस एक कढ़ाई लेनी है। आप यहाँ पर भारी तले वाली कढ़ाई लें जिससे दूध जो है वो इसमें ना जले। और उसमें हम यहाँ पर 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल देंगे। मैंने यहाँ पर पैकेट का दूध लिया है। आप चाहें तो इसमें गाय का दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को हमें 20% तक रिड्यूस करना है। जैसे ही दूध गाढ़ा होना शुरू हो जाए तब तक आप यहाँ पर फ्लेम को हाई रखें और इसे बीच बीच में चलाते रहें। अगर आपने हल्के तले की कढ़ाई ली है तो आप फ्लेम को मीडियम करें। ये देखिए, दूध जो है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम यहाँ पर केसर वाला दूध डालेंगे। मैंने दूध में पहले से ही केसर को भिगो कर रखा था। केसर वाला दूध यहाँ पर ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। केसर वाला दूध डालकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे वापस से हमें 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। 2 से 3 मिनट के बाद अब इसमें हम यहाँ पर फ्राई किए हुए काजू डालेंगे। और उसी के साथ ये देखिए, मैंने मखाने को जो है वो इस तरीके से पीसा है। ये ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटे हैं। अब इन्हें भी हम दूध में डाल देंगे। मखानों को डालने के बाद आप एक बार इन्हें दूध में मिक्स करें और हमें दूध को थोड़ा सा गाढ़ा होने तक और पकाना है। 4 से 5 मिनट के बाद ये देखें, दूध जो है वो और गाढ़ा हो गया है। अब इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें हम यहाँ पर शुगर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध के लिए आधी कटोरी चीनी ली है। आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो चीनी की क्वांटिटी बढ़ा दें। शुगर डालने के बाद हमें इसे वापस से 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। बस इसे ज़्यादा ना पकाएं, क्योंकि मखाने की खीर ठंड होने के बाद और तरह थिक हो जाती है। ये देखिए, हमारी मखाने की खीर बनकर तैयार है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए, हमारी जो मखाने की खीर है कितनी परफेक्ट बनी है। आप इस नवरात्रि इस खीर को बनाइए, ये सभी को बहुत पसंद आएगी।
और ये इसे बनाना तो आसान है ही, ये सुपर हेल्दी भी है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब इसे मैं थोड़े से पिस्ता और बादाम से गार्निश कर दूंगी। ये देखिए कितनी परफेक्ट लग रही है मखाने की खीर, और कितनी टेम्पटिंग लग रही है देखने में ही।